आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, देशभक्त के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में उनकी छवि देशराग के एक अहम गायक के रूप में कौंधती है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने लोकप्रिय और अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए उनकी संख्या में उतने श्रेष्ठ गाने दूसरे गायक ने नहीं गाए होंगे। महेंद्र कपूर के नाम का स्मरण करते ही हमारे जहन में एक ऐसे गायक की छवि कौंध जाती है जो मध्यम स्वरों में भी उतनी खूबसूरती से गाता है जितना कि ऊंचे स्वरों में। एक ऐसा गायक जिसका नाम लेते हैं, हमारे मन में एक साथ तमाम वे गीत आने जाने लगते हैं जिनका देश सेवा से वास्ता होता है, जिनका मान मर्यादा से वास्ता होता है, जिनका संस्कारों से वास्ता होता है। महेंद्र कपूर न सिर्फ गायक बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छवि बेहद सहज और शालीन इंसान की है। वे बेहद अनुशासन के साथ अपने सुरों को साधते हैं, सचमुच वे दिलों को जीत लेते हैं। जब वे गर्व से कहते हैं, जीते हैं तुमने दिल तो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। इसमें अब दोस्तों आप यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है जो गद्यांश में आपसे दिया गया है, गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपको आपके चार विकल्प दे रखे हैं। आपका पहला विकल्प है गे प्लस अक, दूसरा है गो प्लस अक, तीसरा है गय प्लस अक और चौथा है गौ प्लस अक। दोस्तों आइए जानते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम गायक का संधि विच्छेद करते हैं तो गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है, गय प्लस अक हो जाता है। तो इस कारण जो आपका यहाँ पर गा विकल्प दे रखा है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।